very good morning student. I hope you are enjoying 11th bookkeeping and accountancy. Already हमने chapter 1 से लेके chapter 6 तक सब chapter finish किए हैं और उसमें कोई भी doubt नहीं है ये मैं consider करती हूँ. तो चलो आज नया chapter start करते हैं. Chapter number 9 जो कि बहुत important है आपके लिए. लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ. देखो जैसे कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 6 तक हमने सब कंप्लीट किया है. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो एक बार मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट सर्च करो. उस प्लेलिस्ट में 11th अकाउंटेंसी ऐसे मैंने क्रिएट किया है, बस उसमें ये पूरे चैप्टर आपको मिलेंगे. उसके बाद चैप्टर नंबर 7 और 8 जो है वो हम इसे बाद में कवर करेंगे. तो आज हम चैप्टर नंबर 9 करते हैं चैप्टर स्टार्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके, ना कि 11th के लिए बल्कि 12th के लिए भी. सो ये चैप्टर कंपलसरी है, कोई भी इसे स्किप नहीं करेगा. अगर आज आप इसे छोड़ दोगे तो 12th में कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न. अब इसमें हमें क्या क्या देखना है, ये चैप्टर में क्या क्या कवर करना है, तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस. तो ये वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव्स के लिए 1 मार्क्स के लिए आ सकता है या 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम. ठीक है, यहाँ पे कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं आती है, ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम है आपका. इसमें से एक हाथ दूसरा आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू एंड फॉल्स में. नाउ मेन पार्ट हमारा स्टार्ट होता है इस तीनों से, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. तो इस चैप्टर में बस हमें ये तीनों ही अकाउंट पे फोकस करना है. ये अकाउंट है जो हम ओपन करेंगे, जिसमें हम पोस्टिंग करेंगे. पोस्टिंग करेंगे मतलब अलग अलग अकाउंट्स हम इसमें लिखेंगे, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ अकाउंट, उस हिसाब से हम यहाँ पे सब लिखेंगे और वॉट एवर विल गेट दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस. तो ये तीन चैप्टर ये तीन अकाउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये लास्ट पॉइंट दिया है उन्होंने, इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग एडजस्टमेंट. सो ये आखिरी में हम देखेंगे. आज हम ये पहले तीन कवर करेंगे कि ये है क्या एग्जैक्टली, कैसे बनाते हैं, क्या लिखते हैं, इस पे हम फोकस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. पहले हम इसे देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट. हमें फाइनल अकाउंट क्यों सीखना है, जैसे कि हमने स्टेप्स देखी है. अगर आपने पहले से वीडियो देखे होगे, अकाउंट सीखा होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि पहले ट्रांजैक्शन होती है. ट्रांजैक्शन मतलब बाइंग, सेलिंग और एनी एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, वे सैलरी पेड, वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, ये सब ट्रांजैक्शन है. ये ट्रांजैक्शन बाद में हमने इससे कन्वर्ट किया है जर्नल एंट्री में, मतलब जर्नल एंट्री लिखी है. बाद में ये जर्नल एंट्री हमने ट्रांसफर की है लेजर में, और फिर लेजर बैलेंस किया है. बैलेंसिंग करना मतलब क्या, जो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड हेवी है उसमें से माइनस करना है, वॉट एवर विल गेट द बैलेंस, हमने वो फाइनली ट्रांसफर किया है ट्रायल बैलेंस में. लेकिन ये पूरे प्रोसीजर में कहीं भी हमें ये नहीं समझा कि इस फर्म को या इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. जर्नल एंट्री में हमने सिर्फ रिकॉर्ड रखा है कौन कौन सी एंट्री, कौन कौन से ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं. ईयर मतलब 12 महीने, और अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. तो हमने ये सिर्फ रिकॉर्ड रखा है, लेकिन कहीं पे भी हमें ये नहीं समझ में आया है कि ये फर्म भैया प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में. तो ये हमें कहाँ समझेगा, कब समझेगा, जब हम फाइनल अकाउंट ओपन करेंगे. फाइनल अकाउंट मतलब क्या, तीन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. ये जब हम ओपन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कंपनी का असली प्रॉफिट या कंपनी का असली लॉस. सो लेट्स स्टार्ट, इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं. फाइनल अकाउंट आर बेसिक ऑन मैनेजमेंट और बिजनेसमैन डिसाइड बिजनेस पॉलिसीज एंड टेक फाइनेंशियल डिसीजन. जैसे कि मैंने कहा है कि फाइनल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस.
सो जब हमें प्रॉफिट या लॉस समझ में आएगा तभी तो बिजनेसमैन कोई डिसीजन ले सकता है, कोई नई पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है। तो ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस के जो डिसीजन होते हैं ये फाइनल अकाउंट पे होते हैं। तो जब बड़े बड़े सीईओ, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट कमिटी जब एक साथ मीटिंग में बैठती है तो दे डोंट सी जर्नल एंट्री और लेजर, दे डायरेक्टली आस्क फॉर द फाइनल अकाउंट, दे डायरेक्टली सी द बैलेंस शीट कि कितना असेट है, कितनी लायबिलिटी है, ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट हुआ है, एंड देन दे टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट। सो इसलिए फाइनल अकाउंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट गिव ट्रू पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। अभी मैंने कहा है कि जर्नल एंट्री में, लेजर में हमें समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। जैसे सिंपल एग्जांपल देखो, आप ओपन डे में जाते हो तो आपको आपके आंसर शीट देखने मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उसपे से आपको पूरा फाइनल आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता है, पूरा फाइनल समझ में नहीं आता है कि मुझे कितने परसेंटेज फाइनल में मिलेंगे, मेरी प्रोग्रेस हो रही है लास्ट ईयर से ये साल मेरी प्रोग्रेस हो रही है या उल्टा हो रहा है। तो ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आपको फाइनल रिपोर्ट मिलेगा। उसमें पूरा, अगर देखो आपके पास फाइनल रिपोर्ट होगी फर्स्ट से 9th 10th 9th स्टैंडर्ड तक होगी, तो आप देखो फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म, सेकेंड यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जाम, देन दे कैलकुलेट, दे मेक एवरेज, एंड देन दे फाइंड आउट द ट्रू योर परसेंटेज, एंड फिर समझ में आता है कि पूरे 9th स्टैंडर्ड में या पूरे 8th स्टैंडर्ड में हमने कितनी प्रोग्रेस की है। सो सेम हियर, फाइनल अकाउंट भी ट्रू पिक्चर बताता है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल 12 मंथ्स का होता है हमारा। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट। फाइनल अकाउंट आर यूजफुल फॉर एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ऑफकोर्स हमें प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मिलता है, ट्रांसपेरेंसी आर पॉसिबल, यहाँ पे सब कुछ हमें देखने मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें से हमें ट्रांसपेरेंसी समझती है। पारदर्शकता, मतलब कोई भी छुपा हमें नहीं, कोई किसी को इन्वेस्ट करना होगा वो कंपनी में, बैंक को अगर लोन देना है तो बैंक भी उनका फाइनल अकाउंट चेक करेगी, एंड देन बैंक विल डिसाइड कि अरे ये कंपनी अच्छे से कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, ये इन फ्यूचर हमें पैसे लौटा देगी तो ही हम लोन देंगे। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी अगर होगी, और ये कहाँ से होगी, अगर आप फाइनल अकाउंट ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी किसी को भी आपकी बैलेंस शीट दिख सकती है। ओके, अब ये बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डोंट वरी, आगे के एक दो स्लाइड में आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज। पहला चैप्टर की पहली शुरुआत हमेशा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ही होती है। आपने देखा होगा जर्नल एंट्री, लेजर, लेकिन जैसे जैसे आप ये करोगे, जैसे जैसे वीडियो मैं अपलोड करूंगी, स्लोली स्लोली आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट हेल्प्स टू गेट क्लियर ब्रेकअप अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये जैसे जैसे हम फाइनल अकाउंट ओपन करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें ही हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या खर्चे हो गए हैं, इनकम टैक्स कितना भरा है, जीएसटी कितना भरा है, डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट किया है। सो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकअप मिलता है, हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। इट इज अ मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ एनी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट मतलब कोई भी कंपनी के लिए फाइनल अकाउंट बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसलिए मैंने कहा कि ये चैप्टर आपको स्किप करके चलेगा ही नहीं। एनी हाउ अगर आपको कॉमर्स लिया है, अगर आपने, और आपको कॉमर्स में ही करियर करना है, तो यू हैव टू, यू मस्ट डू दिस चैप्टर। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, अब देखो स्टेप्स आप थोड़ा सा प्रीवियसली याद करो। सी यार, हम यही स्टेप से गए हैं ना। अगर आप नए हो तो प्लीज डायरेक्टली ये वीडियो मत देखो, आप मेरे पहले प्लेलिस्ट में जाओ, 11th अकाउंटेंसी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सब चैप्टर मिलेंगे, वो लाइन से आप चैप्टर करो एंड देन कम टू दिस चैप्टर। ओके, तो अगर आपने पहले चैप्टर एक दो चैप्टर देखे होंगे तो इसमें हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन देखा है कि व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने ये ट्रांजैक्शन किसमें ट्रांसफर किए है, जर्नल एंट्री में, मतलब क्या क्या जर्नल एंट्री हमने देखी है, वेजेस पेड, ओके, देन परचेस गुड्स, देन सोल्ड गोल्ड, ऐसे बहुत सारे, 1 2 3 ऐसे लब एंड लब बहुत सारे जर्नल एंट्रीज हमने देखी है। फिर हमने वो जर्नल एंट्री ट्रांसफर की है लेजर में। तो लेजर अगर आपको याद रहेगा, अगर आपने लेजर किया होगा, तो लेजर का फॉर्मेट देखो कैसे है,
प्लीज आप एक बार फिर से वो वीडियो देखो। देखो लेजर अलग अलग हमने सपोज मशीनरी का लेजर बनाया है तो हम उसमें सिर्फ मशीनरी लिखेंगे। सो यहाँ पे डेट अमाउंट होती है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में एंट्री करते हैं एंड फाइनली हम यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं। देखो बैलेंसिंग एंड वॉट एवर, समटाइम वी गेट डेबिट बैलेंस, समटाइम वी क्रिएट क्रेडिट बैलेंस, वॉट एवर दिस बैलेंस वी गेट वी ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। ओके, तो ये हमने सब कुछ सीखा है। नाउ फाइनली वंस ट्रायल बैलेंस गेट रेडी वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एंड ऑफ द एवरी ईयर। तो आपको ये याद रखना है, देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन डे टू डे होती है, ओके, मतलब रोज होती है। जर्नल एंट्री भी डे टू डे होती है, हम रोज के रोज जर्नल एंट्री करते हैं। पोस्टिंग हम एंड ऑफ द मंथ करते हैं, जैसे मंथ खत्म होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सितंबर मंथ खत्म हो गया तो सितंबर की सब जर्नल एंट्री हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। तो लेजर एंड मंथ के एंड में बनाया जाता है। बैलेंसिंग सेम यही, एंड मंथ के एंड में, ऑफकोर्स लेजर जब बनाएंगे तभी हम बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट। एंड फाइनली ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हम एंड करते हैं ईयर के, मतलब आखिरी में, साल पूरा खत्म होता है जब फाइनली जो लेजर का बैलेंस बचता है। जैसे कि देखो ये हो गया लेजर जनवरी, फिर हम इसके आगे ही फेब्रुआरी का बनाते हैं लेजर, फिर मार्च का बनाते हैं। ऐसे 12 मंथ्स का होने के बाद जब मार्च का लेजर हम क्लोज करते हैं तो फाइनल बैलेंस जो होता है मशीनरी अकाउंट का, देखो मशीनरी अकाउंट का हम अप्रैल में बनाते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे करते करते मार्च में हम फाइनली जब हम क्लोज करते हैं लेजर तो उसका जो फाइनल बैलेंस होता है वो हम ट्रायल बैलेंस पे ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस हम कब बनाते हैं? एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ कोर्स फाइनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस हमें कब बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं? एंड ऑफ द ईयर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, ओके। कौन सी चीजें हम कब कब बनाते हैं? अगर आपको जॉब लगा कहीं अकाउंटेंट बोल के तो ये आपको बेसिक छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। सो इस तरीके से हम स्टेप फॉलो करेंगे एंड फाइनली वी ट्रांसफर ऑल दिस ट्रायल बैलेंस इनटू फाइनल अकाउंट। ओके, नहीं समझ में आया? ओके, नो प्रॉब्लम, आगे देखो। अब हमको बनाना क्या है? बार बार मैं आपको बोल रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, लेकिन ये है क्या? सो देखो आपको क्या बनाना है, ये लास्ट ईयर तक 15 मार्क्स के लिए था बोर्ड में, अब इसे कम करके 12 मार्क्स तक किया है, ठीक है। तो इसका 3 मार्क्स कम हो चुके हैं, पहले ये 15 मार्क्स के लिए बोर्ड में था, जैसे कि बोर्ड में 15 मार्क्स के लिए था, अब 12 मार्क्स के लिए है, लेकिन 12 मार्क्स भी कम नहीं है और ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, इसे कोई ऑप्शन नहीं होता है, ओके। तो हमें ये फाइनल अकाउंट में क्या देखना है, ये दीज 5 अकाउंट्स आर देयर, बट डोंट वरी, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे नोट आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में, तो व्हाट दे हैव रिटन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉट इंक्लूडेड इन 11th कॉमर्स सिलेबस, ओके। तो हमें ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो हमें नहीं देखना है, हमें देखना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, मतलब 1, 2, 3, ये 3 अकाउंट हमें प्रॉपरली ओपन करने हैं और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमें इस अकाउंट में लिखना है। अभी कैटेगरी क्या है, कौन से अकाउंट में क्या लिखना है, ये हम आगे देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बिगिनिंग विद द ट्रेडिंग अकाउंट। पहले हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि आपकी सीक्वेंस भी वैसी ही होगी, आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट ही ओपन करना होगा, देन प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन बैलेंस शीट क्लोज करनी होगी, ओके। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? तो ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच गिव ओवरऑल प्रीव्यू ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग एक्टिविटी मीन्स जो एक्टिविटी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, वो सब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आइटम्स हमें लिखने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेशन कौन सा होगा, जैसे वर्कर, वर्कर कहाँ पे होते,
फैक्ट्री में होते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम चलता है ना। देखो आप इमेजिन करो, कोई एक ऑफिस कंपनी है, उस कंपनी की फैक्ट्री भी होगी, उसका ऑफिस भी होगा अच्छे से, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटी फैक्ट्री में होगी, कुछ खर्चे एक्टिविटी ऑफिस में होगी। तो जो खर्चे फैक्ट्री में होते हैं रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, वो हमें लिखने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड, अब कौन कौन से एक्टिविटी होती है, कौन कौन से खर्चे होते हैं, डेबिट में हमें क्या लिखना होता है। सो देख, ऑल ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये कौन से एक्सपेंसेस है, तो वेजेस। वेजेस मतलब वर्कर्स को जो दिया जाता है उसे कहते हैं वेजेस। ऑफिसर को जो दिया जाता है उसे कहते हैं सैलरी। तो वर्कर्स किधर होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं, बिकॉज वही तो प्रोडक्शन करते हैं। सो डायरेक्टली खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, सो वेजेस विल कम अंडर ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेट, कैरेज इनवर्ड। फ्रेट और कैरेज का मतलब क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हैं तो रॉ मटेरियल हाथों में थोड़ी लेकर आते हैं, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन लगता है, हम बड़े बड़े ट्रक लेकर आते हैं। तो उस ट्रक का जो खर्चा होता है रॉ मटेरियल लेके आने के लिए फैक्ट्री तक, वो कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट ऑफिस में थोड़ी आएगा, वो रॉ मटेरियल जाएगा फैक्ट्री में। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज इनवर्ड, देखो इनवर्ड, हाँ आउटवर्ड अलग है, कैरेज इनवर्ड अलग है। जो इन फैक्ट्री के अंदर खर्चा लेकर आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, एक इमेजिन करो कि ऐसे ट्रक है और वो ट्रक ऐसे पूरा माल भर के लेकर आ रहा है, ठीक है। सो ये किधर आ रहा है, फैक्ट्री, यहाँ पे आपकी फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन चलता है, यहाँ पे इन है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है सब आपका, तो ये कैरेज इनवर्ड। सो ये भी डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमें लिखना है कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, देन कोल, गैस, फ्यूल, ये सब देखो फैक्ट्री में कभी विजिट किया है क्या, देखो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स की होगी तो एक बार विजिट कर दो, वहां पे कोयला होता है, गैस होता है, फ्यूल होता है, वाटर लगता है, ये सब मैन्युफैक्चर के लिए जरूरी है। तो ये भी खर्चे हमें कहाँ लिखने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेसिकली आप दिमाग में याद रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें वही खर्चे लिखने हैं जो फैक्ट्री में होते हैं, जो डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रोडक्शन से होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्रेडिट साइड। अब ये क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, तो डेबिट साइड में अगर आप खर्चे लिखते हैं तो क्रेडिट साइड में आपको इनकम लिखने हैं। सेल्स, जो बचा है क्लोजिंग स्टॉक, आपका इनकम मतलब इनडायरेक्टली आपका वो स्टॉक बचा है, सो क्रेडिट साइड में लिखना है। ये हम सब आगे देखेंगे, अभी पढ़ के आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये क्यों लिखना है, कब लिखना है, क्रेडिट में क्यों लिखना है, ये सब आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप थोड़ा सा याद रखो कि ट्रेडिंग दैट मीन्स यू हैव टू राइट ओनली एंड ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट मीन्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टन द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, क्लोज कैसे करते हैं, जैसे लेजर करते हैं, डेबिट हेवी है तो डेबिट माइनस क्रेडिट, अगर क्रेडिट साइड हेवी है तो क्रेडिट माइनस डेबिट, सो वॉट एवर विल गेट द आंसर दैट इज नोन एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, कि हमें अंदाज आएगा कि हमने फैक्ट्री में कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमें ट्रांसफर करना होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमें ये ग्रॉस ओवरऑल मतलब अंदाजे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, दिस इज नॉट अ रियल प्रॉफिट। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे दे उसमें हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, दैट विल बी अ रियल प्रॉफिट। मतलब आपको टैक्स वगैरह जो भी भरना होगा ना, वो हम ये नेट प्रॉफिट पे भरेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, जिससे हमें अंदाजा आता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या हमें हमें कुछ कमी है हमारे में। ओके, एंड दिस इज द मोस्ट, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अभी तक मैंने देखो बार बार यही कहा है कि हमें एक्सपेंसेस लिखने होते हैं या इनकम लिखना होता है। ओके, सो नॉमिनल अकाउंट मीन्स क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
इनकम एंड गेन, ये तो आपने एकदम स्टार्टिंग में ही सीखा होगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस या इनकम लिखेंगे, नहीं तो प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे। यहाँ पे कुछ भी हम डेटर्स, क्रेडिटर्स ऐसे कुछ भी नहीं लिखेंगे, मशीनरी या परचेस, बिल्डिंग ऐसे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, रियल अकाउंट असेट कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम खर्चे या इनकम, प्रॉफिट और या लॉस यही लिखेंगे, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ऑब्जेक्ट क्यू टेक के लिए ये आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स के लिए आ सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यस इट इज अ ट्रू, because here we write only expenses or income, profit or losses. I hope आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया है। अब देखो ये पिक्चराइज आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था कि आप कोई रिलेटिव फ्रेंड हो गया फैक्ट्री में विजिट करो, तो देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर बताया है, फैक्ट्री ऐसी होती है अंदाजे, ठीक है। अब ये फैक्ट्री में क्या क्या आपको खर्चे दिख रहे हैं, सो देखो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल ला के रखा है, सो ये हम कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि ये खर्चा है, डायरेक्ट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन है। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा तो ये आगे का प्रोडक्शन नहीं होगा, सो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ये हमें ट्रेडिंग में लिखना है। देखो फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड मैंने बताया है, ट्रक लेकर, देखो इसमें रॉ मटेरियल लेकर आया है ट्रक, फैक्ट्री में डायरेक्ट आ गया है, तो दिस इज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड, तो मतलब ही ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, सो ये भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। देन देखो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब क्या, कुछ कुछ हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, हमारे इंडिया में नहीं मिलता है तो हम बाहर से लेकर आते हैं, सो तब जो हमें एक ड्यूटी टैक्स गवर्नमेंट को पेड करना पड़ता है उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी, सो दिस ऑल कम्स अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। अब अगर आपने जीएसटी का मेरा वो वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि अभी ये भी नहीं है डायरेक्टली, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स है जीएसटी, ओके। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है तो याद रखना है आपको, तो ये भी डायरेक्टली रिलेटेड विद द फैक्ट्री। यहाँ पे वर्कर बैठा है देखो, तो वर्कर्स वेजेस उसको, ये भी डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, देखो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है वो कुछ तो, ठीक है। उसके बाद वर्कर पे ध्यान रखने के लिए यहाँ पे मैनेजर है, उसे कहते हैं वर्क्स मैनेजर, सो उसकी सैलरी भी हमें कहाँ देनी है, कहाँ लिखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब आप पूछोगे मिस आप तो कहती हो सैलरी ऑफिसर को देते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि वर्क्स मैनेजर वर्कर पे जो ध्यान देता है वो ऑफकोर्स फैक्ट्री में ही रहेगा ना, वरना वर्कर पे ध्यान देगा कि वो कोई और ब्रांच में ऑफिस में बैठ के, तो नहीं। तो वर्क मैनेजर अगर रहेगा तो उसकी सैलरी हमें कहाँ लिखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ध्यान से आप पढ़ना है। नेक्स्ट, और देखो कोल, गैस, फ्यूल, देखो ये सब चीजों के लिए लगता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, सो दिस ऑल आर कंसिडर एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, अब यही आप पे ध्यान देना है, अगर उन्होंने ऐसे क्लियरली दिया है आपको कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, ओनली दे हैव गिवन इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको ये लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। डोंट वरी, जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे मैं एक्सप्लेनेशन ये आपको फिर से दूंगी। रॉयल्टी, ये एक आपको याद रखना है, आप कंफ्यूज होते हो, रॉयल्टी मतलब क्या, कि किसी की डिजाइन हमने ली हमें यूज करने के लिए, तो उसे कुछ मानधन पे करना पड़ता है, रॉयल्टी मतलब मानधन, ठीक है, हम मानधन पे करते हैं। बड़े बड़े डिजाइनर वगैरह होते हैं देखो, तो हम उनको कहते हैं कि आप हमें हेल्प करो, डिजाइन बताओ, सजेस्ट करो, हम उसका आपको क्या देंगे, सैलरी नहीं देंगे, सैलरी या वेजेस मंथ टू मंथ होती है, ये आप जितना काम करोगे उस हिसाब से आपको हम देंगे, इसे कहते हैं रॉयल्टी। सो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ओके। ये आप थोड़ा सा याद रखो, कंफ्यूज हो जाते हो आप, सो दिस ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज व्हाई वी विल राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। नाउ विल सी फॉर्मेट, स्पेसिमन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो इस तरीके से हमें बनाना है। आपकी बुक में भी दिया है कि डेबिट, यहाँ पे डेबिट होता है पर्टिकुलर, यहाँ पे दो कॉलम ड्रॉ करने हैं आपको। अब ये क्यों करने हैं, तो जैसे हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तब मैं आपको बता दूंगी। देन यहाँ पे क्रेडिट,
देखो, सो हियर वी हैव टू राइट ऑल एक्सपेंसेस, स्टॉक परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, वेट. देखो ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है. दिस ऑल आर एक्सपेंसेस. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है. तो देखो यहाँ पे सेल्स हमें हुआ है, देन क्लोजिंग स्टॉक भी बचा है, सो इनडायरेक्टली इनकम है. अब ये जो है तीन, इस पे अभी ध्यान मत दो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये यहाँ पे क्यों लिखा है. ओके चलो, नाउ विल मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ सेम प्रॉफिट एंड लॉस, अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें फाइनल वर्किंग अमाउंट बताता है कि एग्जैक्टली बिजनेस में क्या चालू है. नाउ यहाँ पे आपको देना है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अभी क्लियर हो चुका है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो फैक्ट्री से, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. हाँ, बिजनेस का खर्चा तो है, लेकिन उससे प्रोडक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट. देखो कुछ कुछ कंपनी, जो छोटी कंपनी होती है, वो एडवर्टाइज नहीं करती है. नहीं करेंगे तो भी प्रोडक्शन से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? प्रोडक्शन स्टॉप होगा क्या कि नहीं एडवर्टाइज नहीं हो रही है तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे? नो. सो जो खर्चे डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस ऑल आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो इनडायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में हमें फैक्ट्री का खर्चा लिखना है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें फैक्ट्री का खर्चा लिखना है. ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, फैक्ट्री का खर्चा लिखना है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हमें ऑफिस का खर्चा लिखना है. ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस, वी गेट नेट प्रॉफिट. ट्रेडिंग में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिलता है. सेम योर डेबिट साइड विल राइट ऑल एक्सपेंसेस, बट विच एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंड क्रेडिट विल राइट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम. ये सेम ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम लिखने हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम लिखने हैं, लाइक कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड. ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. ओके, दिस इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट. देखो अब मैंने ऑफिस का खर्चा बताया. देखो अब ऑफिस आपके सामने लाओ, ऑफिस में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? सो सबसे पहला तो सेल, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है. अब आप बोलोगे मिस वेजेस कैसे? तो हो सकता है ऑफिस में वेजेस मतलब क्या, रोज जिसको हम देते हैं पैसे, और सैलरी मंथली मिलती है, ठीक है. तो वेजेस ऐसे हो सकता है कि कोई एक है जिसको हम रोज से रोज, जैसी बाई होती है, कुछ काम साफ सफाई करने वाला होता है, वो आता है, काम करता है और अपने पैसे लेके चले जाता है. सो आपको पहले वर्ड पे ध्यान देना है, सैलरी एंड वेजेस. अगर सैलरी वर्ड पहला है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है. अगर उल्टा है, अगर वेजेस एंड सैलरी आपको कहा है लिखने के लिए, तो वेजेस वर्ड पहला है, तो ये हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में. ओके, तो देखो ऑफिस में क्या क्या खर्चे होते हैं? सैलरी एंड वेजेस होते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट खर्चा होता है टेलीफोन एक्सपेंसेस. देखो ये खर्चे होते हैं ऑफिस में. नेक्स्ट होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. देखो यहाँ पे प्रिंटिंग कंप्यूटर है, यहाँ पे सब स्टेशनरी है, तो ये भी खर्चे होते हैं. ये कहाँ से पैसे आते हैं? सो ये सब खर्चे हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिखने हैं. पोस्टेज एंड टेलीग्राम, हम किसी को कुरियर करते हैं, कोई और कंपनी को कुरियर करते हैं, सो पोस्ट करते हैं कुछ ऑर्डर, सो ये हमें खर्चा होता है. सो ऑल आर दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये लाइट, ये एसी किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे. सो दिस ऑल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. देखो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट, ये आपके लिए नई कंसेप्ट है, क्योंकि ये चैप्टर भी मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है. तो ठीक है, जब आएगा तब मैं बता दूंगी आपको. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये बड़े बड़े, देखो सेल्समैन है, ये सेल्समैन इधर से उधर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं बिजनेस करने के लिए, सेल इंक्रीज करने के लिए. सो जो भी खर्चा होता है, दिस ऑल कम्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो समझ में आया? जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, वो सब खर्चे हमें लिखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में.
तो ये आप दिमाग में फिक्स बिठा के रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो लिखने हैं वो फैक्ट्री से रिलेटेड, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जो लिखने हैं वो ऑफिस से रिलेटेड। इसलिए ये मैंने पिक्चराइज बताया है, तो आपके याद रहेगा जब आप पेपर सॉल्व करोगे। ओके, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एंड नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, जैसे जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, ये फॉर्मेट है, देखो डेबिट, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल है ये भी नॉमिनल है। वी आर सपोज टू राइट डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड हियर इनकम एंड गेन। ओके, सो ये देखो सैलरी एंड वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट, ऑडिट, ये सब, ट्रैवलिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब मैंने अभी बताया आपको। लॉस भी लिखने हमें, सिर्फ हमें एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो देखो लॉसेस भी लिखे हैं, ठीक है। सो ये सब, अब ये कुछ कुछ है नया है, मत ध्यान दो अभी, सिर्फ आप एक जस्ट ओवरऑल फॉर्मेट देखो। यहाँ पे इनकम लिखना है, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, डिपॉजिट जो हमारी FD थी उस पे इंटरेस्ट मिला है, मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे इनकम मिले हैं, सो सी हियर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट। Now we'll move to the last and most important balance sheet. सबसे पहले आपको याद रखना है, balance sheet is not a account, it is a statement. सबसे पहले ये 10th, जो आप 12th में भी बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो balance sheet को भी account ही कहते हैं। No, balance sheet is a statement. स्टेटमेंट मतलब का जहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो नहीं होता है, वो सभी अकाउंट सॉरी स्टेटमेंट को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, ठीक है। स्टेटमेंट जहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता, जैसे आपने देखा अभी, देखो पीछे आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट है, ठीक है। उसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट भी देखा आपने, है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट देखो, अगर आपने देखा तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, मैं फिर से पीछे जा रही हूँ, सॉरी, सी हियर, तो यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट है। ओके, तो जहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो होता है वही अकाउंट को हम कहते हैं, वही लेजर को कहते हैं अकाउंट। बैलेंस शीट में ऐसे कुछ भी फॉलो नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ हमें फाइनेंशियल पोजीशन बतानी होती है, मतलब कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है। बैलेंस शीट हैज नो डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपको याद होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछते हैं, और फिर भी हम एमकॉम होने के बाद भी यही हमें नहीं पता होता है कि बैलेंस शीट क्या है। सो बैलेंस शीट हैज नो डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इट इज अ स्टेटमेंट नॉट अ अकाउंट, ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए आ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड लायबिलिटी एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड असेट, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उस वो वहां पे हमें लायबिलिटी लिखनी है, अब आपको अच्छे से पता है लायबिलिटी क्या होती है, एंड राइट हैंड जो है वहां पे हमको लिखना होता है हमारे असेट होते हैं, ठीक है। इसकी भी अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, याद तो बहुत आसानी से अब याद करोगे। Both side balance sheet should be equal amount, दोनों tally होनी चाहिए, and balance sheet we always write personal account and real account. देखो trading account में हम क्या लिखते हैं, trading account and profit and loss में हम nominal account लिखते हैं, मतलब खर्चे और income लिखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में ना हमें खर्चे नहीं लिखने हैं, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ हमें बताना है कि लायबिलिटी कितनी है भैया ये कंपनी में और असेट कितना है। सो पर्सनल एंड रियल अकाउंट, लायबिलिटी मतलब बैंक लोन, ठीक है, तो बैंक लोन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन है, पर्सनल अकाउंट है, तो हमें पर्सनल अकाउंट लिखना है। असेट, असेट में क्या क्या आता है, कंप्यूटर, बिल्डिंग, देन मशीनरी, है ना, कैश, सो दिस ऑल कम्स, बैंक, ये सब असेट में आते हैं, तो दिस ऑल आर रियल अकाउंट, ये सब रियल अकाउंट है और बैंक पर्सनल अकाउंट है, बस यही तो हमें लिखना है। तो बैलेंस शीट में हमें क्या लिखना है, पर्सनल एंड रियल अकाउंट, ओके, इसमें कोई भी खर्चे हम नहीं लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बार बार वीडियो देखो, नो नॉमिनल अकाउंट विल अपीयर इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या कैसे होता है, देखो क्या क्या लिखना होता है, पहले पिक्चराइज से समझ के लो। दिस इज ऑल असेट एंड प्रिपेयर्ड इनकम, तो हमें राइट हैंड में देखो, अभी कहा ना कि ये साइड, लेफ्ट हैंड में हमें क्या लिखना होता है, लायबिलिटी, और राइट हैंड में हमें क्या लिखना होता है, ये हमारा ये साइड हमारी राइट हैंड आती है, तो क्या लिखना होता है, ऑल असेट एंड प्रिपेयर्ड इनकम। ऑल असेट इज अ रियल अकाउंट
एंड प्रिपेयर्ड इनकम इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसलिए पहले वीडियो आप देखो, पहले वीडियो अगर आप स्किप करोगे तो कुछ नहीं समझेगा, इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि डायरेक्टली जंप मत करो। तो बस हमें यही लिखना है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, ऑल लायबिलिटी हमें लिखनी है। सो कैपिटल भी हमारी लायबिलिटी है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमें पेड करने हैं, हमें नींद नहीं आती, हमें पेड करना है, रोज बाहर ऑफिस के बाहर लोग आए हैं, पैसे दो हमारे, हमारा जो भी खर्चा हुआ है उसके पैसे दो, आउटस्टैंडिंग। सो जिस बात से टेंशन आता है उसे कहते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमें लाइबिलिटी में क्या लिखना है, कैपिटल एज वेल एज लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब हमने अभी अभी पे नहीं किए है, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हमने ये सब जर्नल एंट्री में भी सीखा है। एंड लायबिलिटी, दिस इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक लोन, क्रेडिटर्स, फ्रेंड्स लोन, ये सब पर्सन है। सो वी हैव टू राइट ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, नॉट अ अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट देखो कैसे है, ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी होती है राइट हैंड साइड। डोंट कॉल डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे सब हमें क्या लिखना है, असेट एंड प्रिपेड एक्सपेंसेस, और लेफ्ट हैंड में क्या लिखना है, कैपिटल एंड ऑल लायबिलिटी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। सो आई होप आपको समझ में आया है, कोई भी कंफ्यूजन होगा सो डोंट गेट पैनिक, जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखो कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आई तो। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट, व्हाट आर द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। देखो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, यूजुअली मैं 20 मिनट्स से 22 मिनट्स तक वीडियो बनाती हूँ, बट ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये मस्ट है आपके 12th के लिए भी मस्ट है, मतलब कोई 12th वाला स्टूडेंट भी अगर इसे देखेगा तो उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आर द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, ये फाइनली पार्ट है हमारा, कि ऐसे हो सकता है कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं किए है या इंक्लूड नहीं किए। देखो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड और नॉट रिकॉर्डेड फॉर अ स्पेसिफिक डेट। तो ऐसे हो सकता है कि कुछ कुछ एक्टिविटीज, कुछ कुछ ट्रांजैक्शन ये आफ्टर अकाउंटिंग ईयर के बाद होते हैं, लेकिन हमें लेना तो उनको यही अकाउंटिंग ईयर में है, तो ये हमें बाद में एडजस्ट करना होता है, उसे कहते हैं अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। ठीक है, सो इफ सच ट्रांजैक्शन हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एंड ऑफ द ईयर, और इफ एंट्री इज इनकरेक्ट, कुछ कुछ एंट्री भी गलती से होती है, रॉन्ग होती है, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग है, दो वी आर यूजिंग कंप्यूटर, बट कंप्यूटर भी तो इंसान ही चलाता है, तो मे बी कुछ गड़बड़ हो सकती है, गलती से ये खर्चा इसमें गया, ये खर्चा उसमें गया, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे वर्क, डोंट वरी, ऐसे वक्त अकाउंटिंग स्टाफ जो होता है वो कुछ एडजस्टमेंट करता है, जिससे हमारा करेक्ट एक्यूरेट अकाउंट फाइनल अकाउंट हो जाता है, हमें एक्यूरेट प्रॉफिट मिलता है। सो वो एडजस्टमेंट को कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, तो अगर आप आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो और अगर क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो है उसमें हम नीचे दिए हैं 1, 2, 3 फॉलोइंग आर द एडजस्टमेंट, तो वो क्या है, कैसे करने, वो बात का पार्ट है। पहले हम लोग अकाउंट क्लियर करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी तक खर्चा हुआ तो नहीं है लेकिन ऑफकोर्स लिखना है। आउटस्टैंडिंग इनकम, अभी तक मिला तो नहीं है लेकिन मिलेगा तो ऑफकोर्स लिखना है। ये मैंने आपको सिखाया है चैप्टर 1 में ही कि हमें कौन से एक्सपेंसेस लिखने, हम कौन से अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो खर्चा इन फ्यूचर है लेकिन यही साल ऑकर हुआ है तो लिखना तो हमें यही साल है, तो ये सब हमें किसमें, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, ये सब आएंगे आपके एडजस्टमेंट। ओके, सो आई होप आपने इंजॉय किया है, प्लीज पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो, एक भी सेंटेंस स्किप हो गया तो अकाउंट आपको समझ में नहीं आएगा। एंड दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फॉर 11th एज वेल एज 12th एंड एवरी ईयर FYSY TYMCOM, एवरी ईयर आपको किसकी ना किसकी फाइनल अकाउंट बनानी ही है, मतलब आपको 11th में सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट बनाना है, 12th में पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनाना है, FYSY TY में आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी की फाइनल अकाउंट बनानी है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, प्लीज वॉच करो, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करो और फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करो ताकि उनको भी फायदा हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।